आप भी जानते हैं, मांग और पूर्ति रोज के रोज हो रही। आपको पता है सबसे बड़ा कारण है कि मांग और पूर्ति का रोज। कभी आज हमने इतनी टन व्यवस्था की, 80 का डिमांड हो गई 110 टन की, ये सब आपके सामने है। मेरा मतलब है मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सजग भी है, जागरूक हो, सारी कोशिश कर रही है, सब सब ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर। कमी है या नहीं है? देखो पर्याप्त है, क्योंकि मांग और पूर्ति आ जाती है। सुनो, मांग और पूर्ति आ जाती है। आज मैं आपको जिले के बताऊँ कि जिस प्रकार से हमने अपना कोविड केयर सेंटर है राधा स्वामी वाला, माँ अल्लिया वाला, वहाँ पर 3 प्लांट लगाए हैं 1.25 करोड़ के। आज सुबह जिले के लिए, क्योंकि ये चेन तोड़ना है, मुझे उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ये महामारी नहीं है, ये सामान्य ऐसी घातक, हानिकारक और खतरनाक। पिछले अप्रैल और मई में देखो 10% थी और आज 100% हानिकारक है। इसका मुकाबला तो आपके माध्यम से करना है। कोई भी साधन, कोई भी सुविधा हम करने जाते हैं फिर वो कम पड़ जाती है। सरकार को भी बदल, सरकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं पूरी सरकार, मतलब वो 3 घंटे सोते हैं तो सरकार, उनके दूसरे अधिकारी काम करते हैं। सरकार प्रयास रहते हैं, प्रयत्न रहते, कोशिश पूरी, हर संभव हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। ये हमारा, हमारी भाई और बहनों से ये विश्वास है सरकार का। और उसी प्रकार से मैं आपको, सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, कर रहा है सबका। आप क्या कोई संज्ञान में तो बदला, हम उसका भर्ती करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, कल 1700 तो 82 पॉजिटिव आए थे और 888 डिस्चार्ज हुए। अब ये जो मैंने बोला ना, अब ये जो जगह खाली हो रही है, देखिए मीडिया से भी एक आग्रह है, आप भी मीडिया से भी आग्रह है कि ये महामारी है और महामारी में हम सब सामूहिकता से, हम सब लोगों को उसके प्रयास में, आप एक बात समझिएगा कि अगर हमारे यहाँ पे 1700 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 850 डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। ये बहुत हमको गंभीर मरीजों को, आप जो कह रहे हैं ICU SDU बेड्स को लेकर, हमारे यहाँ जितने गंभीर मरीज हैं 105 हॉस्पिटल्स तक बढ़ा दिए गए हैं। आने वाले समय पे चाचा नेहरू MY हॉस्पिटल, आपका सेवा कुंज हॉस्पिटल, ऐसा 1500 से लेकर 2000 का स्ट्रक्चर तैयार है। एक एक मरीज को सही इलाज मिले इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा, जब तक कई लोग स्ट्रक्चर तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तैयार है। मेरा मैं कल भी बताया था कि हम सब लोगों ने तय किया है कि रोज एक समय हम यहाँ बैठेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण। कल हम लोगों ने ऑक्सीजन को लेके निर्णय किया था कि कुछ अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लगती है, जो बड़े अस्पताल हैं, क्या हम उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग कल चोइथराम अस्पताल गए थे, चोइथराम अस्पताल अपने यहाँ उपयोग होने वाली ऑक्सीजन का 70% खुद जनरेट करता है। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल या CHL अपोलो, मेदांता, राजश्री, ये लोग भी अगर इस तरह का प्लांट लगा लेंगे तो हमारे यहाँ की ऑक्सीजन की जो एक व्यवस्था है, जो हम बिल्कुल ऑक्सीजन एकदम टू द पॉइंट हमारे पास नेक टू नेक रहती है, इससे हम लोग निजात पा पाएंगे। इसी संदर्भ में आज माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी सभी अस्पतालों के संचालकों को बुलाने वाले हैं, हम उनके साथ बैठने वाले हैं। दूसरा एक अभी एक सुझाव निकल के आया है, माननीय सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि ऐसे अस्पताल जहाँ पे अस्पताल में रहने वाले मरीज और उनके अलावा उनके परिजन, कई जगह देखने में आया है कि उनको दिन दिन भर भोजन की भी परेशानी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करके उनको भोजन पहुँचाने का काम हम लोग करने वाले हैं। उनको भोजन का पैकेट हम लोग अस्पतालों में ही उन लोगों को देने वाले हैं। तीसरा एक विषय और निकल के आया है, हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम हो रहा है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का जो काम हो रहा है, तो हम लोग भी ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर छोटे समय पे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट हम लगा सकें, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट लगा के हम लोग
निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भरने का काम भी करने वाले हैं, ये भी 5-7 दिन में आपको देखने में मिलेगा। ये कुछ चीज़ें आज हम लोगों ने बैठ के तय की। तीन स्टेज के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट्स वो हैं जो इनिशियली उनको कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद में वो चूंकि उनका घर छोटा है, घर में नहीं रह सकते तो अस्पतालों में है। एक पेशेंट ऐसा है जो सीवियर हो गया है, जिसको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये जो राधा स्वामी सत्संग क्वारंटाइन सेंटर बना है, लगभग 400 से 500 पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज में और आने वाले समय पे 3000 ऐसे पेशेंट्स को गैदर कर पाएगा। इससे हमारे अस्पतालों की जो ये स्ट्रक्चरल जो दबाव है ये है, वो रूम्स भी हमको खाली मिलेंगे। ऑक्सीजन और ICU बेड्स के जो पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी अभी क्या हो रहा है कि इंदौर और इंदौर के बाहर के जितने पेशेंट्स हैं, वो अगर उनके उनको कोविड हुआ है, 10% इन्फेक्शन है, 12% इन्फेक्शन, वो भी अस्पताल में, चूंकि उनको अस्पतालों की ज़रूरत है। और ICU ICU पेशेंट्स तो पहले से ही हैं, वो लोग अस्पताल में, तो उन लोग ये इस तरह जो हमारे जो केंद्र खुले हैं, कोविड केंद्र, ये बहुत बड़ा एक आपको आने वाले 1-2 दिनों में दिखेगा कि इंदौर में ये जो भगदड़ की स्थिति आप जैसा बता रहे हैं वैसी स्थिति है नहीं, मगर फिर भी मेरी बात मैं पूरी कर रहा हूँ।